तो आज हम SSC MTS के ऑल स्टेट के कटअप के बारे में जानने वाले हैं। अभी आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आप लोग का 2 अप्रैल चल रहा है, मई से आप लोग का स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम आप लोग का 2 मई से, और उसके हिसाब से आपको कितना एग्ज़ाम में नंबर लाना चाहिए, कितना आपका नंबर आ जाए कि आपका फाइनल MTS में निकल जाए, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे कि किसके हम लोग का कटअप बनने वाला है, इंग्लिश GK पे बनेगा या मैथ या रीजनिंग पे बनेगा। बहुत बच्चों को अभी तक ये भी बात पता नहीं है। तो आज हम जिस स्टेट का जानेंगे वो है पंजाब। तो हम पहले पंजाब को लिख लेते हैं। आज हम पंजाब स्टेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि हम लोग का जो फाइनल मार्क्स बनने वाला है, फाइनल कटअप बनने वाला है, वो इंग्लिश और GK पे ही बनेगा। मतलब इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन आएगा, GK में 25 क्वेश्चन आएगा, जो कि 3-3 मार्क्स का होगा। तो आपका टोटल 50 क्वेश्चन होगा और 75-75 मार्क्स, यानी कि टोटल 150 मार्क्स होगा। तो आपका जो कटअप फाइनल में जो कटअप जाने वाला है, जिससे कि आपका फाइनल आपका नौकरी ही लग जाएगा, तो वो 150 नंबर में होगा। कि 150 में आप कितना लाते हैं, 150 में EWS, SC, ST, ESM, OH, HH, OBC और UR का कितना जाएगा, तो आप लोग का जाके एग्ज़ाम में आप फाइनल में आपका नाम आ जाएगा। इसके बारे में भी जानेंगे। आपका मैथ और रीजनिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सिर्फ सेक्शनल, वो सिर्फ कटअप ऐसे पार करके जाना है, इंटरनल कटअप रहने वाला है। मतलब कि जैसे आपको कुछ क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने हैं, अगर उतने क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपका ये कॉपी साइन होगा और ये इसी पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। हम लोग अगर बात करें जो MTS के 10,000 करीब 880 बच्चों ने 10,880 पोस्ट खाली है, 10,880 बच्चे अपने नौकरी को लेंगे, जिसमें कि 10 से 12 लाख फॉर्म गिरे हुए हैं। यहाँ पे लगभग हम अपने चैनल पे सभी स्टेट का MTS के सभी स्टेट का कटअप बता रहे हैं। अगर पंजाब आपका स्टेट नहीं है, आपका कोई और स्टेट है, तो आप दूसरे वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करें EWS का कितना नंबर जाने वाला है पंजाब का, तो वो है 110, वो है 110। और SC कैटेगरी के अगर बारे में हम बात करें, तो SC कैटेगरी का पंजाब का जाने वाला है 115, और जो ST कैटेगरी है, ST कैटेगरी का जाएगा 120। ये जो इतना भी बता रहे हैं 150 में से बता रहे हैं, 150 में से आपका इतना नंबर जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ESM का कितना जाने वाला है, तो ESM का थोड़ा कम ही जाता है, वो है 91, 150 में से 91 ही केवल जाने वाला है। और उसके बाद हम OH का बात करें, तो जो OH का है वो OH का 105 जाएगा और HH का 103 जाएगा, ठीक है। और आखिरी में अगर हम बात कर ले OBC और UR का, जिसके कि बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो वो 122 है, वो 122 है और 130 है UR का, 122 OBC का जाएगा और 130 UR का जाएगा। तो ये है पंजाब स्टेट का कटअप। अगर आप लोग कोई और स्टेट का कटअप जानना चाहते हैं तो मिलिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।